अस्सलाम वालेकुम इवोन जी। तो कैसे सब? आज मैं आपको पालक कटिंग करने के तरीके और पालक को हम किस तरह डिफरेंट तरीके से स्टोर कर सकते हैं सब चीज़ें आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करूंगी। सो आज होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। सो यहाँ पे ना सबसे पहले तो हम मंडी से पालक ले आए हैं और इसको हमने डिफरेंट तरीके रमज़ान के लिए बेसिकली इसको स्टोर करना है। सो सबसे पहले ना हम इसको पालक को बनाने का तरीका देखेंगे। पहले तो कटिंग करेंगे, लेकिन कटिंग के भी दो तरीके डिफरेंट हैं। लेकिन उससे पहले पालक बनाएं, ताकि पालक जब हम बना लेते हैं ना तो बहुत ही इजीली कटिंग हो जाती है। लेकिन पालक को बनाना भी एक बहुत ही ज़बरदस्त उसको बनाने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे ना सबसे पहले जब आप पालक बनाने लगे ना, तो पालक में जितने भी तिनके वगैरह हैं ना, ये बहुत ही फ्रेश पालक है, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई भी एक्स्ट्रा इसमें तिनके वगैरह मौजूद हैं, सबसे पहले तो आपने उनको रिमूव कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने सबसे पहले ना बड़े लीव्स पकड़ने हैं। पालक में जितने भी बड़े पत्ते हैं ना, वो उनको आपने पकड़ना है। जितने भी छोटे छोटे पत्ते हैं ना, उनको फिल वक्त के लिए ना आप साइड पे रख दें। उनके साथ अभी आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। अब यहाँ पे ना सबसे पहले तो हम बड़े पत्ते पकड़ेंगे। बड़े पत्तों से क्या होता है कि अच्छी सी ग्रिप आ जाती है, मुट्ठी में अच्छे से आ जाते हैं। तो इस हिसाब से ना सबसे पहले बड़े पत्ते पकड़ें। अगर आपके पास साइड पर जगह मौजूद है ना, तो आपने आपके हाथ में जो भी पत्ता आ रहा है ना, तो उसको डिफरेंट तरीके से स्टेप बाय स्टेप रखते जाएं, एक एक पत्ता, ठीक है। उसके बाद जब आप दोबारा उसी साइज़ का पकड़े ना, तो जहाँ पे जिस साइज़ का पड़ा हुआ है ना, आपने उसी साइज़ का उसके ऊपर रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने छोटी छोटी से जो एक्स्ट्रा पालक है वो मैंने साइड पे कर दिए। अब यहाँ पे मैंने टोटली इसमें से ना बड़े पत्ते उठाए हैं। अब इस पॉइंट पे देखें जी, यहाँ पे देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप जितना साइज़ पत्तों का है उनको उसी साइज़ के हिसाब एडजस्ट किया है। यहाँ पे देखें बिल्कुल ही तकरीबन चार से पांच स्टेप हैं। पहले छोटा स्टेप है, ठीक है, उसके बाद बड़ा स्टेप है, देन उससे बड़ा स्टेप है, और फिर उससे बड़ा स्टेप है। इस तरह करके ना आपने इनकी इतना इनको इकट्ठा करना है जितना ना आपकी एक मुट्ठी में इजीली आ जाए, ठीक है। और ये बेस्ट एंड बेस्ट तरीका है। अभी इस तरीके से ना पालक बन चुकी है। आपने जस्ट पालक उठानी है और जल्दी से कटिंग करना स्टार्ट कर दी है। लेकिन इस रेसिपी में कटिंग करने के भी मैं आपके साथ दो तरीके शेयर करूँगी, दोनों बेस्ट एंड बेस्ट वाले हैं। अब सबसे पहले ना आपको चाहिए एक अदद कटिंग बोर्ड। अगर आपके पास कटिंग बोर्ड नहीं है ना, तो कोई मसला नहीं है, आप हाथ में रख के भी इसको कटिंग कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कटिंग बोर्ड में ना ज़रा पालक जो है ना इजीली कटिंग हो जाती है। ये जो पालक है ना, अगर तो आपने कोई सालन वगैरह बनाना है ना, उसके लिए कटिंग हो रही है, ठीक है। अगर आप सेव करना चाहते हैं रमज़ान मुबारक में, कोई पालक वगैरह का सालन बनाना चाहते हैं, ठीक है, पनीर पालक, आलू पालक, पालक गोश्त जो भी आप खाते हैं, आप बनाना चाह रहे हैं ना, तो ये उसके लिए बेस्ट है। इस तरह आप कटिंग बोर्ड पर रखते रहेंगे ना, तो फटाफट से जल्दी से ना कटिंग हो जाती है। अगर आप हाथ में रख के कटिंग करते हैं, तो एक तो हाथ पे लगने का भी छुरी का ख़तरा होता है कि कहीं छुरी से आपके हाथ पे ना लग जाए, और दूसरा ये है कि ज़रा देर से कटिंग होती है। लेकिन इस तरह अगर आप इसको कटिंग बोर्ड पे रख के कटिंग करते हैं ना, तो बेस्ट एंड बेस्ट वाली हो जाती है। अच्छा, इसको जो सालन बनाने वाली पालक है ना, इसको स्टोर करने का तरीका कुछ डिफरेंट है, वो भी लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो ये है कटिंग का तरीका, ठीक है। दूसरी, इसके अलावा ना ये एक मेरे पास मशीन है, ठीक है, ये बहुत ही अफोर्डेबल मशीन है, आप इजिली इसको मार्केट से बाय कर सकते हैं। ये वो इसमें देखें, मैंने ऑलरेडी पहले भी इसमें साग कटिंग किया हुआ है, ये बहुत बेस्ट एंड बेस्ट वाली है। अगर आपके पास है ना, तो आप जितना चाहे साग ले आएँ, जितनी चाहे पालक ले आएँ, जितनी चाहे मेथी ले आएँ, हर चीज़ को ये फटाफट से कटिंग कर देती है, और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है, आप इजीली मार्केट से इसको ख़रीद सकते हैं। और इसकी ख़ास बात तक क्या है कि ये बिजली से बिल्कुल भी नहीं चलती, ये हाथ से चलती है, और हाथ से चलाने के लिए इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पैसे आपके नहीं लगते हैं। सबसे पहले आपने पालक को उसके आगे से थोड़ा सा कटिंग करना है, ठीक है, बराबर कर लेना है पालक को, ठीक है। और उसके बाद आपने इस तरह पालक को रखना है और हाथ की मदद से गोल गोल घुमाते जाना है, तो बहुत ही अच्छे से कटिंग होगी। अच्छा, स्टार्टिंग में ही आगे पालक नहीं आएगी, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप इसको घुमाते जाएंगे ना, तो पालक आगे आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये मशीन तसल्ली से पता कब काम करती है, जब आप इसको लेके ना बैठ जाएँ किसी जगह पर, और इसके नीचे वाले हिस्से को एक बंदा पकड़ लें, या बैठ के ना आप इसके ऊपर पाँव रख लें, उसके बाद आप इसको जैसे चाहे चलाएं। अभी शेल्फ के ऊपर रखी हुई थी, ठीक है, और नीचे से थोड़ी सी अनबैलेंस थी, लेकिन उसके बावजूद इसने ये साड़ी की साड़ी पालक बहुत ही फटाफट से मिनटों में कटिंग कर दी थी। आपके सामने है, आप ही इसीलिए इसको बाजार से बाय कर सकते हैं।
सो यहाँ पे देखें बहुत ही अच्छे से पालक कटिंग होना स्टार्ट हो गई। एक दफ़ा ये स्टार्ट हो जाए ना तो बस फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, अगर ये एडजस्ट हो जाए अपनी जगह पे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये कटिंग कर देती है। और यहाँ पे ये देखें जी, इसका साइज़ चेक करें और इसका देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त सी मशीन है, आप ज़रूर इसको बाय करें। बहुत ही टाइम सेविंग है, आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा ये काम आपका निकाल देगी। ठीक है, यहाँ पे ये देखें जी, बहुत ही बारीक बारीक सी कटिंग हुई है, लच्छेदार कटिंग हुई है पालक, और ये बेस्ट एंड बेस्ट है पकौड़ों के लिए। अगर आप रमज़ान मुबारक में सेव करना चाहते हैं, अच्छा जितनी भी लास्ट प्रिपरेशन है ना रमज़ान मुबारक की, उसमें जिप ब्लॉक्स, पॉलीथीन बैग्स वगैरह यूज़ हुए हैं, लेकिन इस रेसिपी में अगर आपके पास जिप ब्लॉक्स वगैरह नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इस तरह शॉपर की थैलियाँ भी ले सकते हैं जो भी छोटे छोटे से आपके घर में मौजूद हैं। तो आपने उतने एक थैली में ऐड करनी है जितने आपने एक टाइम के पकौड़ों में ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन, लेकिन इसकी हवा निकालना बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर आपने किसी भी किस्म की हवा नहीं रहने देनी, इसको ऊपर से प्रेस करना है और इसके अंदर से सारी हवा निकाल देनी है, और फिर ये बहुत ही अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगी। पता है क्या, जब इसके अंदर से हवा निकल जाएगी ना तो इसके अंदर ठंडक इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी और पानी भी इसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, जिससे ये पालक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है पानी जाने से ना। लेकिन अगर आप इस तरह इसको बंद कर देंगे ना तो ये जैसी पालक है वैसी की वैसी ही रहती है, इसमें किसी भी किस्म का पानी नहीं जाता और ना ही ये बाद में गलती है। ठीक है, ये बहुत ही बेस्ट एंड बेस्ट वाला तरीका है, ठंडी भी रहती है और अंदर पानी भी नहीं जाता, और इस तरह हमने थैलियाँ बना के रखी हैं। अब जो मेन स्टेप है ना वो ये है कि अब अगर हमने पालक पकानी हो तो उसको हम किस तरह स्टोर करें ना। अपनी लास्ट प्रिपरेशन की वीडियो में मैंने आपके साथ ये तरीका शेयर किया है, लेकिन अभी फिर से आपके साथ शेयर करूंगी फटाफट से। तो आपने पालक को बॉईल कर देना है। ठीक है, बॉईल करने के बाद ना इतना सा तो आपने उसमें पानी ज़रूर रखना है ताकि ये अच्छे से ना ग्राइंड हो जाए। अब आपने क्या करना है, इस पालक को ग्राइंड कर लेना है, लेकिन ग्राइंड करते हुए ना आपने इसमें पानी भी हल्का सा ऐड करना है ताकि स्मूथली ग्राइंड हो जाए, जितनी आप पालक ग्राइंड करना चाहें। और पालक का अपना पानी ही इसमें ऐड करिएगा, वैसे नॉर्मल पानी आप इसमें ऐड नहीं करेंगे। और इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपके पास अगर आइस मोल्ड है ना तो बेस्ट है, अगर आइस मोल्ड है तो उनमें आप इसको ऐड कर दें, नहीं तो इस तरह के अगर आपके पास ट्रे मौजूद है ना तो आप उसमें ट्रे में भी ऐड कर सकते हैं। और अब आपने इसको फ्रीज़ कर देना है, फ्रीज़ करने के बाद आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें और जब चाहे जिस तरह चाहे जिस भी रेसिपी में चाहें आप बस फ्रीज़ की हुई पालक डालें और मिनटों में आपकी रेसिपी तैयार है। पकौड़ों के लिए जो आप पालक फ्रीज़ करेंगे ना वो आपने धोनी नहीं है। ठीक है, बाद में जब इसी तरह आप निकालें फ्रीज़ हुई भी, अब धो के तो पकौड़ों में आप डायरेक्ट ऐड कर देंगे क्योंकि ये भी फ्रीज़ हुई पालक है। लेकिन जो आपने पकानी है सालन वगैरह में, वो आप पहले से धो के उसको इस्तेमाल करेंगे, धोने के बगैर इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो ये है जी आज की प्रिपरेशन, और मुझे उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई है। मिलेंगे नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।